Hello everyone. So today we are going to talk about the new chapter, which is Accounting for Companies, a really crucial chapter for Class 12th Accountancy. Now before we jump on to the practical questions of this chapter, let's understand what does a company mean and what are the various characteristics of a company, as well as what does a share means and the characteristics or types of share capital. So without any further ado, let's start the chapter Accounting for Share Capital. पहले बात करते हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कंपनी कम्स इनटू एसोसिएशन आफ्टर वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्संस टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस. एक कंपनी तब स्टार्ट होती है जब कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल और पर्संस कम टुगेदर वॉलंटियरली टू कैरी ऑन अ लीगल और लॉफुल बिजनेस. ऑब्वियसली बात है, उनको एक लीगल बिजनेस ही करना पड़ेगा, दे कैन नॉट रन एन इलीगल बिजनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि वो हर वो चीज कर सकता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल इंसान कर सकता है इन द आईज ऑफ द लॉ. एंड उसकी जो आइडेंटिटी है या उसकी जो पहचान है वो अपने मेंबर्स से अलग है. देयरफॉर इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. एक कोर्ट के लिए या फिर एक लॉ सिस्टम के लिए कंपनी और उससे जुड़े हुए मेंबर्स दोनों अलग अलग लोग होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट हैज अ शेयर कैपिटल विच इज डिवाइडेड इंटू शेयर्स. जैसे कि हर एक बिजनेस की अपनी कैपिटल होती है, वैसे ही कंपनी की भी अपनी एक कैपिटल होती है, पर उसको हम शेयर कैपिटल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर सेलिंग आउट द शेयर्स ऑफ अ कंपनी. वरना उसका भी मतलब सेम ही होता है जो बाकी बिजनेस के कैपिटल का मीनिंग होता है. एंड द ओनर्स ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स. यू कैन ईजिली बिकम द ओनर ऑफ ए कंपनी जस्ट बाय परचेसिंग द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. कंपनी के शेयर्स खरीदो एंड यू बिकम द ओनर और द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ शेयर्स. एंड लास्टली, सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कंपनी. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसकी एग्जिस्टेंस तो चलती ही रहेगी, बिकॉज आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि कंपनी मर नहीं सकती है या फिर वो बीमार नहीं पड़ सकती है, इंसॉल्वेंट नहीं पड़ सकती. ऑब्वियसली बात है, इंसॉल्वेंट तो एक कंपनी पड़ सकती है, बट अपार्ट फ्रॉम द अदर फैक्ट्स, एक कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा कैरी ऑन या कंटिन्यू रहेगी और उसका उसके मेंबर्स से या उसके मेंबर्स के डेथ होने से या उनके इंसॉल्वेंसी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, एप्पल जो कंपनी है, जो उसका फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, वो अब नहीं रहे, बट स्टिल एप्पल कंपनी कंटिन्यूज एंड राइट नाउ द सीईओ ऑफ एप्पल इज आई गेस टिम कुक. तो अभी भी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो बदलते रहते हैं, बट कंपनी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रखती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी बाय स्टार्टिंग इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी आप ऐसे ही खोल नहीं सकते हो. कंपनी खोलने के लिए आपको एक लीगल प्रोसीजर को फॉलोअप करना पड़ेगा. और अब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सो द लीगल प्रोसीजर इज स्टेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. एक कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है, उसके बाद ही वो इस्टैब्लिश या फाउंड हो सकती है. नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं. एक कंपनी और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है. एंड इन द आईज ऑफ द लॉ एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है. कहने का मतलब ये है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, किसी को भी स्यू कर सकता है और किसी के थ्रू स्यू हो भी सकता है. दैट्स व्हाट सेपरेट लीगल एंटिटी एक्चुअली मींस. नेक्स्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब वही होता है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस हमेशा कंटिन्यूटी में रहती है और उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके मेंबर्स की डेथ से, बैंक्रप्सी से, लुनेसी से या कोई भी और फैक्टर से. कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उसके मेंबर्स को कुछ भी हो जाता है. कंपनी गोज ऑन कंटिन्यूइंग इट्स बिजनेस फॉर एवर अनटिल एंड अनलेस उसको वाइंड अप या फिर उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी. वेल, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स दैट दे हैव परचेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि इफ जय होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच. जय के पास 100 शेयर्स हैं और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है एंड 7 पेड अप. उसने अभी तक का 7 रुपए ही दिए हैं. 10 रुपए में से उसने सिर्फ 7 रुपए दिए हैं अभी तक कंपनी को.
तो कंपनी अगर उससे पैसे मांगेगी तो सिर्फ उतना ही मांगेगी जितने शेयर्स उसके पास हैं, विच इज 3 रुपीज पर शेयर। तो कहने का मतलब यह है लिमिटेड लाइबिलिटी का, दैट आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, उनको कोई भी नहीं बेच सकता, आपसे उतना ही पैसा मांगा जाएगा जितने के आपने शेयर्स परचेज करे हैं। एंड दैट्स व्हाट लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं इन क्लास 11th एज वेल। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। वेल, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप इजीली उसको किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट, अपनी ओनरशिप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल इन एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ यू रिमेंबर, हमने क्लास 11th में पढ़ा था दैट डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन दो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जहां पे यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर, बट कंपनीज के अंदर या बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर आप अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड द लास्ट इज कॉमन सील। वेल, एज अ कंपनी, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि हाथ पांव, मुंह, नाक, ये सब चीजें उसकी नहीं होती है, तो इट कैन नॉट साइन ऑन इट्स बिहाफ, वो अपने बिहाफ में सिग्नेचर नहीं कर सकता है। इसीलिए कंपनी की जो भी सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसमें कंपनी की एक कॉमन सील, एक सिग्नेचर लगता है अपार्ट फ्रॉम द सिग्नेचर ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, और वो सिग्नेचर कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज अ कॉमन सील स्टैम्प, और ये स्टैम्प कंपनी की हर डॉक्यूमेंट्स में लगेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सिग्नेचर, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है अपने हाथों से साइन नहीं कर सकता है। तो हमने बात करी कंपनी क्या होती है, कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ शेयर्स। वेल, अ शेयर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू सर्टेन इनडिविजिबल यूनिट्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स। वेल, एक शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है, जो ओनरशिप होता है, वो होता है शेयर्स। ध्यान रखना, एक कंपनी की जो पूरी कैपिटल होती है, उस कैपिटल को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो और वो छोटे हिस्से इतने छोटे हों कि उसको आप फर्दर डिविजिबल ना कर पाओ, एंड दोज पोर्शंस, या जो जो हिस्सों की मैं बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे हिस्से इक्वल होने चाहिए, तो दैट इज नोन एज शेयर्स। इसको कुछ ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे शेयर्स के साथ एक कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल बनती है। तो जब इन सारे शेयर्स को आप कंबाइन करोगे उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल, पर इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा छोटे छोटे हिस्सों में विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, सो दो स्मॉल पोर्शंस और स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स। तो शेयर कैपिटल क्या हो गया, पूरी की पूरी कैपिटल एक फर्म की, और वो जो छोटे पोर्शंस है जिसको आप फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते उनको बोलते हैं शेयर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रिक्वायर्स कैपिटल टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, हर कंपनी या हर बिजनेस की अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने शेयर्स को सेल आउट करती है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, बिकॉज पब्लिक कंपनी ही आम जनता को अपने शेयर्स प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि दैट इज अ टॉपिक फॉर डिफरेंट डे कि कंपनीज कितने टाइप की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, बट फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, और वो अपने शेयर्स को सेल आउट करती है टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। द कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर, सो इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। वो जो कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल इन शेयर्स को बेच के ही रेज कर पाती है, इसीलिए उस कैपिटल को नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल, जो बात मैं ऑलरेडी सेशन के शुरुआत में बता चुका हूं। शेयर कैपिटल के बारे में हमें इतना ही समझना था, आप सीधे बात करते हैं कि शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं। सो लेट्स सी टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आई विल गिव यू एन एग्जांपल, और उस एग्जांपल में हम समझेंगे कि कितने टाइप्स की हमारे पास शेयर कैपिटल अवेलेबल होती है। सो स्टिक विद मी ड्यूरिंग दिस एग्जांपल बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मेरे इस एग्जाम्पल में एक मैंगो सेलर है जिसका अपना एक बगीचा है, और मान लेते हैं कि इसके बगीचे में एक सीजन में मैक्सिमम 3,000 मैंगोज ही हो पाते हैं। ठीक हो गया, 3,000 मैंगोज में से इसने क्या करा, 2,000 मैंगोज तो मार्केट में बेचने निकल गया,
पर हजार मैंगोज को अपने गोडाउन में रखा हुआ है और वो सोच रहा है कि कभी इमरजेंसी होगी तब मैं इन हजार मैंगोज को सेल आउट करूंगा, बट फिलहाल के लिए वो मार्केट में 2000 मैंगोज लेके निकल गया। अब जरूरी तो नहीं है कि जितने मैंगोज वो बेचना चाहता था वो सारे के सारे बिक जाए। मान लेते हैं 2000 मैंगोज में से 1800 मैंगोज उसके बिक गए और 200 मैंगोज उसके नहीं बिके। फाइन, नाउ उन 1800 मैंगोज में से भी कैटेगरी निकल के आ रही है। कैटेगरी कहने का मतलब ये है कि उसने वो 1800 मैंगोज अलग अलग टाइप के लोगों को बेचा है। अब कौन है वो अलग अलग टाइप के लोग? पहले कैटेगरी ये है, इसने हजार मैंगोज उन 1800 में से जो हजार मैंगोज इसने बेचे थे उन लोगों से इसने बोला था कि मुझे हजार मैंगोज के पैसे चाहिए और उन्होंने इसको दिए भी। तो 1800 में से हजार मैंगोज के पैसे इसने मांगे भी थे और हजार के इसको मिले भी। उसके अलावा 500 मैंगोज इसने ऐसी जगह पे बेचे थे जहां इसको पूरे पैसे नहीं मिले। कुछ होंगे रिलेटिव्स होंगे या फिर रोज के कस्टमर्स होंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई रोज की बात है, कल दे देंगे या बाद में दे देंगे। तो 500 मैंगोज इसने ऐसी जगह बेचे जहां से इसने मांगे पूरे 500 के पैसे पर इसको मिले सिर्फ 300 मैंगोज के पैसे। फाइन, अब बचे कितने? अब बचे हमारे पास 300 मैंगोज और। अब जो ये बचे हुए 300 मैंगोज हैं ये इसने ऐसे लोगों को बेचे जिन पे इसको ट्रस्ट है। ट्रस्ट कहने का मतलब है ये इन लोगों से पूरे पैसे नहीं मांगेगा, ये कहेगा एक काम करिए आप 300 में से मुझे सिर्फ 100 मैंगोज के पैसे दे दो और बाकी मैं आपसे जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे मांगूंगा। तो जो 1800 मैंगोज बिके हैं उसमें भी तीन कैटेगरी बनी है। पहली कैटेगरी हजार पैसे मांगे 1000 मिले, दूसरी 500 मांगे 300 मिले और तीसरी 300 में से 100 मांगे और 100 ही मिले। ये बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारी आखिरी कैटेगरी बनी है मतलब 1800 मैंगोज जो हमारे बिके हैं उसमें से 1000 से 1000 पैसे मांगे थे और 1000 ही मिले हैं, 500 से 500 मांगे पर मिले 300 और 300 मैंगोज में से मांगे 100 और मिले भी 100। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल का हमारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल से क्या रिलेशन था। सी, एक कंपनी भी जब अपने शेयर्स को बाहर बेचने निकलती है तो ऐसा नहीं है कि जितना मन चाहे उतने शेयर्स वो बेच सकती है। एक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ही होते हैं जो एक कंपनी पब्लिक को बेच सकती है, या एक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर ही होते हैं जो कंपनी अराइज कर सकती है, उठा सकती है। तो वो मैक्सिमम नंबर हमेशा उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि हाँ आप इतने ही शेयर्स को यू नो अराइज कर सकते हो, उठा सकते हो। इसीलिए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन राइज इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इस एग्जाम्पल में उस बगीचे में मैक्सिमम 3000 शेयर्स हो सकते थे, वैसे ही एक कंपनी के भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, उसमें से कंपनीज जितना मार्केट में बेचने निकलती है उसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। मेरे एग्जाम्पल में 200 मैंगोज ये बेचने निकला था, वैसे ही इश्यूड शेयर कैपिटल वो शेयर होती है या वो शेयर का हिस्सा होता है जो आप एक्चुअली में मार्केट में बेचने के लिए निकलते हैं। जो आप मार्केट में बेचने के लिए नहीं निकलते हैं और इमरजेंसी के लिए वेट करते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो आप पब्लिक को ऑफर नहीं करते हो, इसको आप अपने पास ही संभाल के रखते हो फॉर वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, तभी इसको बेचा जाता है वरना इसको हम नहीं छूते हैं। अच्छा, 2000 आपका क्या हो गया इशूड शेयर कैपिटल। उस शेयर कैपिटल में से जितने शेयर्स एक्चुअली में कंपनी के बिकते हैं उनको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और जो नहीं बिकते हैं उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नाउ इसके बाद है हमारी मेन चीज और वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो नीचे तुम्हें तीन कैटेगरीज दिख रही हैं वो एक्चुअली में दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होती हैं। वो कैसे होती हैं पर उसको समझने से पहले ये समझते हैं कि जो हम पैसा मांगते हैं उसे क्या बोलते हैं और जो पैसा हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं। तो कैटेगरी में तुम देख पा रहे हो हजार जो शेयर्स थे हजार जो मैंगोज थे उनसे मैंने हजार ही मांगे और हजार ही आए,
तो जो तुम्हें पर्पल कलर में दिख रहा है 1,000, 500 और 300, इसको बोलते हैं वो पैसा जो हम मांगते हैं। सो दिस इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब जितना पैसा आपने मांगा। और जो रेड में दिख रहा है वो एक्चुअली में दिखा रहा है कि कितना पैसा आपको मिला, विच इज नोन एज पेड अप कैपिटल। तो जितना आप मांगते हो लोगों से उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जो आपको मिलता है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अब यहां पे आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप इसे इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें हमने पूरा पैसा मांगा और हमारे पास पूरा पैसा आ गया। बट ऑन दी अदर हैंड जो बचे हुए दो पार्टीज हैं, मतलब जो 500 शेयर्स हैं या 500 मैंगोज हैं जो बोलते हैं उसको, उन 500 में से मैंने मांगा पूरा 500 था पर मुझे मिला 300। और जो 300 वाली कैटेगरी है उसमें मैंने मांगा ही 100 और मुझे मिला भी 100। पर ये दोनों ही कैटेगरीज एक ही मेन कैटेगरी के अंदर आती है जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो दो कैटेगरीज तुम्हारे पास बच रही हैं 500 और 300 वाली, ये एक्चुअली में एक ही मेन कैटेगरी के अंदर आती है जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाइल मेकिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, और उस समय इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस निकल के आती है। फाइन, सो दैट वॉज द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल इन अ बिजनेस। आई होप आज का सेशन सब लोगों को समझ में आया होगा। लाइट सेशन था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था थ्योरेटिकल पार्ट से, एंड होपफुली टुमारो वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बट बिफोर कमिंग टू टुमारोज क्लास यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड इन टूडेज सेशन। दैट इज